सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है, होश जब आता है तो वक्त निकल जाता है। जीना है तो अच्छे बनकर जियो, दिखावे के लिए तो हर कोई जीता है। अपनी इच्छा को अपने वश में रखना चाहिए, दूसरे की मुट्ठी में नहीं। आज का पंचांग 30 मार्च 2020, दिन सोमवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, सुबह 3:15 तक रहेगी। रोहिणी नामक नक्षत्र शाम 5:18 तक विराजमान रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 7:31 से 9:02 तक रहेगा। आज का विजित मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:40 से 12:31 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 30 मार्च 2020, दिन सोमवार, आज उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले और आज विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। वह घर में अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगी। कोई फायदे वाले मौके भी आपको आज मिल सकते हैं। आपकी ऊंची बौद्धिक क्षमताएं आपको कमियों से लड़ने में सहायता करेगी। सिर्फ सकारात्मक विचारों के जरिए इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। आपको व्यापार में तरक्की मिलेगी। आज के दिन आपके लिए कुछ ऐसी परिस्थितियों वाला भी हो सकता है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। कुछ मिला जुला सा परिणाम भी मिल सकता है। संभव है कि आपको परिस्थितियां अपने खिलाफ लगे, लेकिन आप जब इसके बारे में विचार करेंगे तो यह आपको अपने पक्ष में लगेगी। अच्छा, आपको आध्यात्मिक प्रगति करने के भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। अपने जीवन में अपने अलावा दूसरों की भलाई करने में भी लगाएं। यदि आप व्यापार से संबंध रखते हैं तो व्यापार में खास मुनाफा नहीं होगा। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा रखना होगा। आज आप तले भुने ना खाएं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सावधानियां, लंबे अरसे को मद्देनजर रखते हुए कोई काम करें। जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है। साझेदारी और व्यापार में हिस्सेदारी वगैरह से दूर रहें। तनाव से भरा दिन, नजदीकी लोगों से कई मतभेद उभर सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो आपको बहुत दिनों से जिसका इंतजार था वो आपके करीब है। आप बहुत दिनों से जो कल्पनाएं कर रहे थे आज वह सच साबित हो सकती है। आप इस संबंध में गंभीरता से आगे बढ़ेंगे और यह सामान्य से कहीं अधिक आगे जाएगा। आपको इस संबंध को बनाए रखने के लिए जिंदगी को बेहतर बनाने के अन्य अवसरों को छोड़ना पड़ सकता है। करियर की बात करें तो आपकी आय और करियर को प्रभावित करने वाले ग्रहों के बीच का गठबंधन अब अपने मजबूत केंद्र बिंदु पर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने करियर के लिए अपने समय और ऊर्जा से कार्य करते हैं तो आपकी जमा राशि को बढ़ावा मिल सकता है। आप में ऐसी ऊर्जा और क्षमता है कि आप और अधिक कार्य करके अपनी आय में और सुधार ला सकते हैं, पर इन दिनों यह सब बहुत मुश्किल है। सेहत की बात करें तो आप भावनात्मक रूप से बिल्कुल शक्तिशाली हैं। आपको इस मौके का प्रयोग अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के लिए प्यार और देखभाल दिखाने के लिए करना चाहिए, लेकिन आपको यह सब करने से पहले मेडिटेशन करके अपनी क्षमता को कोई रास्ता नहीं देना चाहिए। अगर आप मूड में हैं तो अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग अतिरिक्त एक्सरसाइज करके भी कर सकते हैं। आज का उपाय, आज आप भगवान शिव जी की पूजा करें। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।